खोलिए किताब में देख के पढ़िए जल्दी से। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, बा से बिल्ली, बा से बतख, पा से पंखा, पा से पतंग। आगे खोलो और पढ़ लो। ता से ताला, ता से तरबूज, ता से टमाटर, ता से टोपी, ता से समर, ता से सना। और पेट पलट लो। जीम से जहाज, जीम से जूता, चा से चम्मच, चा से चिड़िया, हा से हलवाई, हा से हिजाब, खा से खरबूजा, खा से खरगोश। आगे खोलो और पढ़ लो। दाल से दरवाजा, दाल से दवात, दाल से डब्बा, दाल से डॉक्टर, दाल से दर्रे, दाल से जखीरा। आगे पलट लो और पढ़ लो। रा से रेलगाड़ी, रा से रोटी, रा खाली, अड़ा से पहाड़। देखिए अड़ा से पहाड़ नहीं होता है, लेकिन पहाड़ के आखिर में अड़ा आता है, तो इसलिए अड़ा से पहाड़ आपकी किताब में लिख दिया अड़ा से पहाड़ जी। जा से जेवर, जा से जुबान, हाँ उसके बाद देखिए जा खाली, जा से जाला। पेज पलट लो और पढ़ लो। सीन से सूरज, सीन से सेब, शीन से शेर, शीन से शरबत, स्वाद से संदूक। हाँ ये संदूक है, स्वाद से क्या है ये पकस ना बोलना और डब्बा ना बोलना, स्वाद से संदूक। स्वाद नून दाल वाव काफ देख करके संदूक पढ़िएगा। क्या लिखा? संदूक। स्वाद से संदूक, स्वाद से साबुन, स्वाद से ज़ईफ। हाँ ये जो ज़ईफ में ये बूढ़े मियाँ बने दादा, हाँ ये ज़ईफ लिखा है, बुढ़ा ना कहना। क्या कहना? स्वाद से ज़ईफ। ज़ईफ कहते हैं किसको? जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, हाँ जैसे दादा होते हैं, नाना होते हैं, वो ज़ईफ़ होते हैं, कमज़ोर, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, कमज़ोर, तो उन्हीं का वो ज़ईफ़ देखो बने, वो डंडा लेके चलने लगते हैं। नहीं, अगर कोई जवान है और डंडा लेके चल रहा है वो ज़ईफ़ नहीं है, वो फिर माजूर है। वो कौन है? रोमान पूछ रहे हैं, रोमान पूछ रहे हैं कि अगर कोई जवान है और डंडा लेके चल रहा है वो भी ज़ईफ तो नहीं, वो उसको ज़ईफ नहीं बोलेंगे, वो माजूर होगा। ज़ईफ उसको, माजूर मतलब उज्र है, उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है।